मतलब जितना खबीब ने अपना कंपोजर रखा था, इट्स लाइक अमेजिंग, आई रियली लाइक दैट। और खबीब उस टाइप का आदमी भी हमको लगता है कि थोड़ा पेशेंट है आराम से, और उसकी कोई भी फाइट देख लीजिए, मतलब पहले तो ही इज़ वेरी पेशेंट एंड फाइट के बाद भी, अभी तक तो वो हारा नहीं है, लेकिन फाइट के बाद भी काफ़ी इज्जत से वो पेश आता है अपने ओपोनेंट के। लेकिन कॉनर भी फाइट के बाद काफ़ी इज्जत से पेश आता है, लेकिन फाइट से पहले इट्स लाइक फ्लॉयड मेवेदर, मेवेदर के बारे में भी जानते ही हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टॉकिंग रबिश। सो और उसका भी आप देख सकते हैं, ये बात हम समझ सकते हैं कि फ्लॉयड मेवेदर के साथ उसने फाइट क्यों की, जितना पैसा वो कमा चुका था, मतलब एडी अल्वारेज और जैसे नेट डियाज के फाइट्स के साथ, उसके अब पोता लोग मतलब ग्रैंड सन्स भी मतलब फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए होंगे। 100 मिलियंस कमाया भाई कॉर्नर मैकग्रेगर ने फ्लॉयड मेवेदर एलोन उसी फाइट से, सिर्फ 100 मिलियंस डॉलर्स। सो ठीक है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन और ये भी समझते हैं कि भाई कुछ क्या बोलते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन वो अंडरडॉग था और फ्लॉयड मेवेदर इज लाइक लेजेंड। सो मेरे ख्याल से 1-2% आदमी लोग सोच रहे होंगे कि कॉर्नर जीतेगा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि नहीं जीतेगा, क्योंकि फ्लॉयड मेवेदर इज वेरी गुड इन बॉक्सिंग। लेकिन थोड़ा सा ये भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग हो गई थी, तो क्या पता वो डिफेंस की जगह अटैक करने लगे। मेवेदर इज़ अ वेरी स्मार्ट। और फाइट के बाद क्या चल रहा है, कॉर्नर से किसका मैच होगा, नेट डियाज 3 खबीब, कॉर्नर तो जाता है खबीब के साथ, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद अगर ट्रेनिंग करने के बाद खेलेगा तब जीतेगा। ऐसे डैनियल कॉर्मिये जो अभी हैवी वेट चैम्पियन है, वो खबीब के एकेडमी से आता है, तो वो बोल रहा है कि कभी भी नहीं जीतेगा कॉर्नर, क्योंकि खबीब के रेसलिंग का लेवल, वो बचपन से रेसलिंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उतना ज़्यादा हाई कभी हो नहीं पाएगा। मे बी 1 साल बाद अगर कुछ ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग करके आए तो कॉर्नर का कुछ चांस बन सकता है स्ट्राइकिंग गेम में, रेसलिंग गेम में तो नहीं बन सकता है। खबीब अगर स्ट्राइकिंग में कुछ गलती कर दे, या क्योंकि कॉर्नर का एक पंच पड़ गया तो आदमी उठेगा नहीं ना, उठ जाएगा, और ऐसा होता ही है। तो उसकी आगे की फाइट क्या क्या है, उसकी नेट डियाज 3 और खबीब के साथ भी मैच हो सकता है, और खबीब का मैच बोल रहे हैं लोग फ्लॉयड मेवेदर से। मेरे ख्याल से ये कभी नहीं होगा, खबीब कभी नहीं करेगा। आप देखिए ना, कॉर्नर मैकग्रेगर और मेवेदर की जो फाइट हुई, मेवेदर UFC आके MMA स्टाइल क्यों नहीं खेला, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वो गया, कॉर्नर गया बॉक्सिंग करने। तो और बॉक्सिंग, अगर मैं ये भी मानता हूँ ना कि अगर बॉक्सिंग विथ लेग किक्स, अगर सिर्फ लेग किक्स कर देते ना, तो फ्लॉयड मेवेदर हार जाता, बिकॉज वो बचपन से सिर्फ हाथ का काम कर रहा है ना, वो तो इतना जल्दी वो किक्स को मतलब वो नहीं सीख पाएगा कैसे एब्जॉर्ब करना है या क्या करना है। लेकिन देखिए, इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, और वो बॉक्सिंग का मैच खेला, और मेरे ख्याल मतलब 500 मिलियन लगभग उसका पे डे था, वो द बिगेस्ट इन हिस्ट्री। तो खबीब के साथ मेवेदर की फाइट, इट्स लाइक रबिश टॉक, बिकॉज खबीब भी उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रहा है कि रेसलिंग, और खबीब सिर्फ रेसलिंग करता है, मतलब रेसलिंग में स्ट्राइकिंग गेम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन रेसलिंग अभी मतलब उसकी टॉप प्रायोरिटी और टॉप वो शॉट है, मतलब रेसल ही करके वो ज़्यादातर MMA फाइट जीतता है, और बॉक्सिंग में वो कुछ कर नहीं सकता है। तो हारने के लिए, अपना रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए, जो अभी तक अनबीटेबल है खबीब, और खबीब पैसा 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 माने 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 वाला भी मामला नहीं है, जो उसका फ्लॉयड मेवेदर और कॉनर का हो गया है आजकल। और अभी कुछ दिन पहले मैंने, कल या परसों ही मैंने देखा ये वीडियो एंडरसन सिल्वा का, जो कॉर्नर को चैलेंज कर रहे हैं। तो एंडरसन सिल्वा इज़ लाइक, सबसे पहले मैंने UFC फाइट देखी थी एंडरसन सिल्वा ही का, उसकी स्ट्राइकिंग एंड लाइक टाइमिंग ऑफ हिज पंचेज एंड किक्स आर अमेजिंग। सो मतलब आई गेट इम्प्रेस्ड बाय UFC एंड द आर्ट ऑफ मार्शल आर्ट बिकॉज ऑफ 90% बिकॉज ऑफ एंडरसन सिल्वा, एंड ही इज़ चैलेंजिंग, ही इज़ लाइक ओल्ड 40+ आई थिंक, बट ही इज़ चैलेंजिंग कॉर्नर मैकग्रेगर। वाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा चांस बनता है एंडरसन सिल्वा का, लेकिन वो पेडे के वजह से मेरे ख्याल से वो चैलेंज करना चाह रहा होगा। और जो फाइट के बाद हुआ, फाइट के बाद क्या क्या हुआ, फाइट के बाद कॉर्नर मैकग्रेगर, खबीब अचानक केज से उछल के जो कॉर्नर मैकग्रेगर के कोच को मारने चला गया, मारपीट होने लगी बाहर, और खबीब के दो कैंप से दो आदमी आए और कॉर्नर को मारने लगे। इट्स लाइक, और डेना वाइट ने कहा है कि खबीब के कैंप से जो दो आदमी आए थे वो दे गॉट फायर्ड, और वो कभी नहीं खेलेंगे UFC में, और ये डेना वाइट का एकदम सही डिसीजन है, क्योंकि यार पीछे से तुम मतलब कॉर्नर एक तो अभी यार हारा हुआ है, उसके पास से मुंह लटका के खड़ा हुआ है, और तुम पीछे से आके उसको अटैक कर रहे हो यार, मतलब वो भी सर पे, तो इट्स लाइक
शेम ऑन यू। फाइट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए कॉर्नर मैकग्रेगर के डिफेंस से भी, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि उतना ज़्यादा डिफेंस कर पाएगा। जब ग्राउंड पाउंड वाला जब मामला आएगा ना, तो वहाँ पर काफ़ी पहले और दूसरे राउंड में काफ़ी अच्छा डिफेंस दिखाया था कॉर्नर ने, लेकिन वही इंड्योरेंस का इशू था। तीसरे चौथे राउंड में हार गया होगा, मतलब इंड्योरेंस उतना अच्छा नहीं है ना उसका, इस वजह से थोड़ा थक गया होगा और वो सोच रहा था कि खबीब थक जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है, जो वो बचपन में भालू से उसके पापा ने उसको रेसल कराया है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक मोर फ्रॉम दिस फाइट बट। और इस फाइट का विनर कौन है? खबीब को अभी तक पैसा नहीं मिला है, कॉर्नर को तो पैसा मिल गया, लेकिन विनर है डेना वाइट। वो तो अपने लम्हों में घूम रहा है, बोल रहा है अगली फाइट इस दोनों में देखा जाएगा, हर बात को देखा जाएगा, ऐसा चल रहा है उसका। UFC 230 का वीडियो मैं डालूंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं वो सब वीडियो डालूंगा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ जिसके बारे में बात करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑब्वियस। एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट, एंड बिकॉज YouTube इज़ फ्री एंड यू आर लिविंग इन फ्री वर्ल्ड। अभी कुछ ही दिनों से रोज़ वीडियो बनाने की आदत डाल रहा हूँ, तो मतलब और मैं हर वीडियो बनाने के पहले मैं सोचता हूँ कि यार मैं कैसे बोल पाऊँगा ये सब, इतनी सारी बातें जो मेरे दिमाग में हैं तो वो मैं कैसे बोल पाऊँगा। लेकिन जब कैमरा के सामने आजकल आ रहा हूँ तो इट्स लाइक फर 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 फर, मतलब जल्दी जल्दी निकल रहा है। सो जो वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, मतलब या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, सो ये सब चीज़ जो है कभी डरिए मत ये सब चीज़ करने से। ये सब चीज़ हम एक्सपीरियंस ही का सिर्फ मामला है, एक्सपीरियंस जितना लीजिए उतना अच्छा है। डरिए मत, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर आप मतलब कोई चीज़, जैसे कि मैं सोच रहा था मतलब लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टेबल को थोड़ा खिड़की के बगल में लगा दिया तो लाइटिंग थोड़ा बेहतर हो गई, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में हमको मज़ा आ रहा है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हमेशा जो आपको मज़ा आए वो काम कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, कुछ तो काम कीजिए। सुबह उठिए, जल्दी सोइएगा तभी सुबह उठिएगा, इसके बारे में भी कोई वीडियो, हाउ टू गेट अप अर्ली। सो अब देखिए बगल में घर भी बन रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा नॉइज रिडक्शन कर देंगे उसका एडिट करने के वक्त, और उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, सॉफ्टवेयर कितना कर पाएगा। आप हल्ले गुल्ले इन हल्ला गुल्ला वाले इन्वायरमेंट में रहिएगा और उसके बाद से फिर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सो और ये एक बात चल रही थी फाइट के बाद कि खबीब छोड़ने वाला है UFC, और खबीब ने बोला था मतलब सोशल मीडिया पे, या मतलब डेना से बोला था ये बात। डेना कौन है मैं बता देता हूँ, डेना UFC का चेयरमैन है, UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और UFC 229 मतलब मेन इवेंट उसका, 229वां मेन इवेंट। तो ये बात चली थी खबीब UFC को छोड़ने वाला है, और डेना वाइट से ये उसने बोला है कि अगर उसके दो दोस्त को अगर आप फायर कीजिएगा तो UFC को छोड़ देगा वो। और उसका पे जो नवाडा में हो रहा था, लास वेगास में हो रहा था ना, तो नवाडा स्टेट, तो वहाँ के जो एथलेटिक कमीशन के जो लोग हैं वो खबीब का पैसा मतलब चेक मिलता है, वो चेक रख लिया उन्होंने, अभी तक नहीं दिया है। तो वो ये बोल रहा है कि बहुत सारे मतलब साइट्स पे मैंने पढ़ा भी है कि ही इज़ सेइंग लाइक दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, दिस इज़ अबाउट कंट्री, दिस इज़ अबाउट ऑनर। सो I respect that kind of person, like he doesn't think about money. I know like पैसा ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन about honor, about respect, about country, ये चीज़ें बहुत सारी बातें कह जाती हैं किसी person के बारे में, जो बिना मिले ही आदमी को थोड़ा मतलब करीब ले आती हैं कि आदमी अच्छा सोचता है। So thank you for watching. अब लगता है हम ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, तो बात करते हैं कुछ UFC 230 के बारे में बात करेंगे, उसका मेन इवेंट में मेरे ख्याल से डैनियल कॉर्मी है, क्योंकि
मैंने उसके पोस्टर पे देखा था डैनियल कॉर्मिये को, और लुइस को भी देखा था, जो कुमिन इवेंट के पहले एक जो इवेंट हुआ था, जो मैच हुआ था, उसमें क्या खेला था लुइस ने। मतलब आराम से तीसरे राउंड के 9 सेकंड बचा था और उसने नॉकआउट किया था, तो वो भी गजब। मतलब और उसके बाद से उसने अपना पैंट उतार दिया था, बोला था बहुत गर्मी है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो अब लगता है बहुत ज़्यादा।